मंडी में सामाजिक तालमेल से मिटेगी सामाजिक बुराइयां, ये बात सामाजिक जागरण मंच के अध्यक्ष दर्शन लाल ने मंच के कार्यालय स्थित धनोटू में संपन्न कार्य समिति की बैठक में कही। बैठक में बिलासपुर के घुमारवीं में शमशान घाट में जाति के नाम पर शव को जलाने से रोकने की घटना पर निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस संबंध में उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बेशक अपवाद के रूप में घटित होती हैं, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर रही हैं, इसलिए इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिलासपुर के घुमारवीं में जाति के नाम पर शव को जलाने से रोका गया और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति अपवाद के रूप में समय समय पर रहती है, लेकिन ये घटनाएं पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। और आज जिस तरह से पूरी दुनिया के लिए कोरोना कोविड 19 एक खतरा बना हुआ है और पूरी दुनिया इस खतरे से जूझ रही है, हम रोज कितना दुखद होता है कि असमय बहुत से लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं और जो कोरोना के कारण जिन लोगों की जानें जाती हैं उनके शवों को जलाने की जो प्रक्रिया है, किस तरह का जो क्रम है, वो सब लोगों के जहन में है, ध्यान में है। तो कितना दुखद है ये, किसी ने इस तरह की कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा भी समय आएगा कि जब उस शव को जलाने के लिए जहाँ गाँव सगे संबंधी और सभी लोग उसमें सहभागी बनते थे, आज बहुत कम संख्या में प्रशासन की तरफ से उन शवों को बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी सगे संबंधी रिश्तेदारों की भागीदारी के उन शवों को जलाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज इस संकट में जो पूरी मानव सभ्यता के लिए आज एक संकट बना हुआ है, उसके बावजूद भी ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच यदि हमारी रहती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस संबंध में जहां सरकार और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जानी चाहिए, मैं आग्रह करता हूं, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि समाज में सभी वर्गों के जो लोग हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, जो ये सोच और विचार रखते हैं कि समाज में ऐसी घटनाएं ना हों, और अधिकांश समाज के लोग यही चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हों और ना ही इस तरह का कहीं वातावरण देखने को मिलता है। बहुत सारी जगहों हम ये मानते हैं कि इस तरह के अपवाद नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाओं का जो है वो होना, ये एक प्रश्न चिन्ह है समाज के लिए, समाज के बुद्धिजीवियों के लिए, और एक जो परस्पर आपसी सहयोग की जो एक भावना होती है समाज की, उस सहयोग की भावना के लिए तो हम ये चाहते हैं कि समाज के लोग इस तरह की घटनाओं पर जो है वो अपनी कड़ी निंदा व्यक्त करें और सरकार और प्रशासन भी ऐसी घटनाओं पर जो है वो कड़ा रुख इख्तियार करें। धन्यवाद।